नन्ही बच्चियों ने दंड घुमाया तो युवतियों ने लहराई तलवार। 15 दिवसीय जूडो, कराटे, तलवार, दंड, रॉड फाइट प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। तरणताल पर चल रहे 15 दिवसीय जूडो, कराटे, तलवार, दंड, रॉड फाइट प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर बच्चियों ने अपना हुनर दिखाया। नन्ही बच्चियों ने दंड घुमाया तो युवतियों ने लहराई तलवार। प्रशिक्षण ले रहे 130 बच्चों को सर्टिफिकेट व ट्रॉफी देकर बच्चों का सम्मान किया गया व हौसला बढ़ाया गया। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और ये बात आज प्रूव हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान में, हमारी बेटी राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माहे। आपका एक छोटा सा प्रश्न था भैया, मैं उसका उत्तर बिल्कुल देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है हर नारी के अंदर शक्ति विद्यमान है। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी के अंदर बहुत सी शक्तियां थी, बस उन्हें समय पे जागृत करने की जरूरत पड़ी थी। हर लड़की के अंदर, हर इस संसार में जो भी पैदा हुआ उसके अंदर शक्ति है, और उस शक्ति को यदि सही समय पे जागृत कर दिया जाए, अब जागृत कौन करेगा, परिवार ही करेगा। तो मैं यदि इस फील्ड पे आज दिख रही हूँ तो इसके पीछे मेरे अकेले का कोई भी रोल नहीं है। मेरे माता पिता के संस्कार, उनके मेरे प्रति जो है उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक राह बताई और मुझे सशक्त बनाया कि आप इस पद पर जाएं और काम करें। स्पेशली जो है, मैं पहले एक पीएससी से मैं चयनित हुई और पहला चयन मेरा नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हुआ था, पर नियति को शायद कुछ और मंजूर था। मैंने नायब तहसीलदार में तो बहुत अधिक काम नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं पीएससी की तैयारी लगातार कर रही थी। और आज यदि मैं इस पोस्ट पे हूँ तो इस पोस्ट पे मुझे लाने की ये सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ है, तो अभी बोला गया कि हर सफल स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मेरे इस पद में मुझे आज, मैं जिस पद पे गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ, उस पद में लाने का पूरा जो श्रेय है वो मेरे पति देव का। महिला उत्थान के लिए अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही शहर की 20 महिलाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम संयोजक रजनी नरवरिया एवं करुणा शितोले के अनुसार प्रशिक्षण वर्ग में 130 बच्चे एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 साल से लेकर 55 साल की महिलाएं शामिल थी। सर्वप्रथम शिक्षा के साथ उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रेरणा देने वाली माँ मनोरमा दीक्षित लीलावती परब का सम्मान किया गया। इसके साथ ही शहर की बेटी अनुभूति शर्मा, अनामिका शर्मा, रूबी यादव का विशेष सम्मान किया गया। विपक्ष के हाथ देना चाहूंगी रूबी यादव जी के लिए 2 तालियां, और इनका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी सम्मान किया गया है। आप हमारे शहर की गौरव है रूबी जी, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और चलिए रूबी संगीत महाविद्यालय जिस प्रांगण में यह कार्यक्रम होता है, तरणताल के प्रांगण में, वहाँ सुबह 7 बजे जाके बच्चियों का ये कार्यक्रम आयोजन पूरा देखा है कि किस तरह से शस्त्र संचालन की विधा में निपुण हमारी रजनी जी इन्हें कर रही हैं, और कैसे छोटी छोटी बच्चियां दंड के साथ, तलवार के साथ, और आपसी जो गुण होते हैं इस शस्त्र संचालन के, आपसी इस कला में एक दूसरे से जुड़कर कैसे रणनीति बनाई जाती है और कैसे उससे बचाव किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल छोटी बच्चियाँ बल्कि उनकी मम्मियाँ भी इन शस्त्र संचालन की कला को उतनी निपुणता के साथ करते हैं। इनका एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप से मुझे भी जोड़ा है। मैं रोजाना देखती हूँ कि बच्चियाँ घर जाकर भी अपने बाहर मैदान में आकर उसी तरह से अभ्यास करती है जैसा वो तरणताल में करती है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें पापा तो ठीक, मम्मी भी पापा का सपोर्ट करती थी, 80% आएगा तो ही कॉलेज में एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सोचते थे घर का भी काम करना है, दंड भी चलाना है, पढ़ाई भी करना है। तो आजकल तो बच्चों को अगर 80% नॉर्मल बात हो गई, लेकिन हमारे समय में बहुत बड़ी बात होती थी। और मैं वैसे एक बात बताना भी चाहूँगी, आप सबको ही बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ घर में, जैसे भाई साहब ने बताया कि अखाड़ा है, तो हम लोग जब अखाड़ा नहीं घुमाते थे तो हमको भोजन करने को नहीं मिलता था। मम्मी बोलती थी 1 घंटे पहले डंडे चलाना है, फिर ही भोजन मिलेगा। तो वो भी सोचना पड़ता था कि डंडे चलाएंगे तो ही खाना मिलेगा।